नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव धवन, एन इंग्लिश ट्रेनर एंड माइंड प्रोग्रामर। दोस्तों, इफ यू रियली वांट टू बी गुड एट स्पोकन इंग्लिश, तो आप ये बात जरूर जानना चाहते होंगे कि वो ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप बहुत जल्दी स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। दोस्तों, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना भी चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा। दोस्तों, एक आम इंसान या स्टूडेंट कब स्पोकन इंग्लिश सीखने की मन में सोचता है, कब सोचता है? डेफिनेटली अगर उसे कोई इंटरव्यू देना है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या आप कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, यानी वो उसने ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली है या वो ऐसे किसी ग्रुप में आ गया है जहाँ लोग इंग्लिश बोलते हैं। दोस्तों, अब यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब 4 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, 4 दिन बाद आपकी प्रेजेंटेशन है, और आप उस वक्त अब आपने प्लानिंग की है कि अब मैं स्पोकन इंग्लिश सीखना शुरू करता हूँ, या 4 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है और अब मुझे इंग्लिश आ जाए, क्या आ सकती है? नहीं आ सकती। ये तो दोस्तों वैसी बात होगी कि घर पे तो आप प्लास्टिक की बॉल से धीरे धीरे खेल रहे हो, स्लो बॉल करवाओ, या टेनिस वाली बॉल से स्लो बॉल करवाओ और आप छक्के मार रहे हो, और अब आपका इंटरनेशनल लेवल पर मैच है जहां लेदर वाली बॉल 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रही है। यानी आपकी 4 दिन बाद प्रेजेंटेशन देनी है या इंटरव्यू आपका है, उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ सकती, ये गारंटी है। तो दोस्तों, अब इसके पीछे क्या कारण है, या अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना शुरू करना है तो इनके पीछे क्या कारण है कि वो जल्दी नहीं आती? कारण एक ही है कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, और जो गलती हम कर रहे हैं वो गलती ये है कि हम इंग्लिश को कोई ऐसा अपनी लाइफ में टाइम नहीं दे रहे जिसमें हम बिना डरे, बिना इस बात की परवाह किए कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। यानी हमारी लाइफ में, यानी उस इंसान की लाइफ में जो इंग्लिश सीखना चाहता है, कमी है किस चीज़ की? एक ऐसे इंसान की, या कुछ ऐसे लोगों की जिनसे वो रोज़ डेली इंग्लिश में बात कर सके बिना इस चीज़ की टेंशन के कि वो दिल में एक फन ऑफ हिम, या मेरी ग्रामर जो है वो करेक्ट है या नहीं है, या सेंटेंस मेकिंग में मुझे टाइम लगता है या मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, या वो कैब मेरी अभी कम है। दोस्तों, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट यू नेवर प्रैक्टिस इट। अगर आप बोलना सीखना चाहते हो तो बोलना ही पड़ेगा। आप जो मर्जी कर लो, आप इंग्लिश मूवीज देख लो, आप इंग्लिश सॉन्ग सुन लो, आप नॉवेल्स पढ़ लो, आप उनको रट लो, यू आर जस्ट गिविंग योर माइंड एंड इनपुट। आप इनपुट तो बहुत सारे दे रहे हो, वो कैब सीख रहे हो, वो कैब लिख लिख के याद कर रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो, पर क्या आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हो रोज? जब तक वो नहीं है, कुछ नहीं होगा। गाइस, अगर आप दिल से इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो आपको अपने जैसे 2-4 लोग 100% मिल जाएंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मतलब जिन्हें, उन्हें भी कोई ऐसा इंसान चाहिए जो, जिसके साथ वो इंग्लिश में डेली बात कर सके और वो उन्हें क्रिटिसाइज ना करे बल्कि हेल्प करे भी, हाँ तुम यहाँ गलत थे या तुम वहाँ गलत थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने वाला ऐसा इंसान ही आपके साथ चाहिए। आप लोग अगर एक जैसे लेवल के भी हो, सबसे पहली बात तो अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसका लेवल आपसे अच्छा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो आपको फीडबैक भी देगा प्रोनंसिएशन के ऊपर, ग्रामेटिकल एरर्स के ऊपर, या जो भी कोई फ्रेजेस आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई इंसान नहीं भी मिलता, आप अपने जैसे ही कुछ इंसान जो हैं वो आप ढूंढिए। प्लस आप एक टॉपिक डिसाइड कीजिए कि कल अपने एक छोटे से टॉपिक पे बोलेंगे, और मतलब एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, कोई भी बात जो आप डिस्कस करते हो, चाहे आपको अब ये कोरोना के ऊपर बात करनी हो, चाहे आपको अपनी क्लास के बॉयज़ या गर्ल्स के ऊपर बात करनी हो, टॉपिक डिसाइड करो, या आपको अपने कलीग्स के साथ के बारे में बात करनी हो, आप टॉपिक डिसाइड करो और उसके साथ बोलना शुरू करो। या आप कुछ भी ऐसे फ्रेजेस, या कोई 2-3 वर्ड्स, या 2-3 या 4-5 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस हैं वो पहले आप सिलेक्ट करो, और उसके बाद आप आपस में एक दूसरे को बोलो और उस टॉपिक पे बात करना शुरू करो। गाइस, जो मर्जी कर लो, अगर आप बोलना शुरू नहीं करोगे, इंग्लिश सारी उम्र नहीं आएगी, चाहे जो मर्जी कर लो।
मतलब जिन लोगों की इंग्लिश मदर टंग नहीं है उन्हें इंग्लिश तब तक नहीं आएगी जब तक आप इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा नहीं बना लेते। तो उसके लिए आपको कोई इंसान चाहिए एंड दैट्स ऑल। अब अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई मिल गया है बात करने के लिए तब आप कैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू करें। उसके लिए इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। एंड टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, जय भारत।